और अनफॉर्चुनेटली स्पेस से लौटते टाइम जो उनका एयरक्राफ्ट था वो क्रैश हो गया एंड इस ट्रेजिडी में उनकी डेथ हो गई बट सीरियसली स्पेस पे जाना हमें हम अर्थ से देखते हैं हम अपनी ज़मीन से देखते हैं चांद तारे कितने सुंदर लगते हैं एंड जस्ट इमेजिन कितने दूर हैं वो वहाँ पे वो पहुँची कितनी बड़ी बात है और कितने प्राउड की बात है कि वो वहाँ पे पहुँची तो उनकी इस स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के बारे में वो कैसे वहाँ तक पहुँची उन्होंने क्या क्या किया कैसे उन्होंने पढ़ाई करी कैसे उन्होंने इतने अचीवमेंट्स अचीव किए ये सब हम अपने आज के चैप्टर में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर फोर एन इंडियन अमेरिकन वुमेन इन स्पेस कल्पना चावला ये जो मैंने हाईलाइट कर रखा है येलो कलर से ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है सो लेट स्टार्ट बिफोर यू रीड इन नाइनटीन एन इंडियन अमेरिकन कल्पना चावला वॉज पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल क्र्यू एब्रॉड द यू एस स्पेस शटल कोलम्बिया बिकमिंग द फर्स्ट वुमेन बॉर्न इन इंडिया टू गो इन टू स्पेस sadly the second mission in Colombia ended in tragedy. nineteen ninety seven में कल्पना चावला Indian American woman थी मतलब आधी Indian थी आधी American थी और वो एक international crew का हिस्सा थी जो कि यू एस में था यूएस स्पेस शटल कोलम्बिया और वो पहली वुमेन थी जो इंडिया में पैदा हुई और वो स्पेस में गई लेकिन जो उनका दूसरा मिशन था वो फेल हो गया लौटते वक्त उनका एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया ओके सो वेट सो लेट स्टार्ट कल्पना चावला सेड दैट शी नेवर ड्रीम्ड एज अ चाइल्ड इन करनाल दैट शी वुड क्रॉस द फ्रंटियर्स ऑफ स्पेस कल्पना चावला कहती है जब वो छोटी थी उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि करनाल हरियाणा में है इंडिया में वो वहाँ पे पैदा हुई और उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि वो स्पेस की सीमाओं फ्रंटियर मतलब सीमा सीमाओं तक तो पहुँच भी पाएंगी और उन्हें क्रॉस कर पाएंगी इट वॉज़ इनफ दैट हर पेरेंट्स अलाउड टू अटेंड इंजीनियरिंग कॉलेज आफ्टर शी ग्रेजुएटेड फ्रॉम टैगोर स्कूल उनके लिए इनफ था कि उन्होंने जैसे तैसे अपनी पढ़ाई पूरी करी और फिर उनके पेरेंट्स ने स्कूल कंप्लीट करने के बाद उन्हें इंजीनियरिंग कॉलेज जाने की परमिशन दी और उन्होंने अपनी पढ़ाई टैगोर स्कूल से कंप्लीट की थी आफ्टर अ बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग अगेंस्ट ग्रेट अपोजिशन फ्रॉम हर फादर शी वेंट फॉर अ मास्टर डिग्री टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जब उन्होंने अपनी बैचलर ऑफ़ साइंस यानी कि बीएससी की डिग्री कंप्लीट की एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में उनके फादर ने उसके बाद उनका बहुत अपोजिशन किया लेकिन वो उसके बाद भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका गई, वो यूएसए गई और वहाँ पर उन्होंने अपनी मास्टर डिग्री के लिए पढ़ाई करी शी लेटर अर्न हर पी एच डी इन एयरो स्पेस इंजीनियरिंग आगे जाके मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद उन्होंने पी एच डी करी पी एच डी का सब्जेक्ट था उनका एयर स्पेस इंजीनियरिंग कल्पना चावला वॉज द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमेन एस्ट्रोनॉट टू ब्लास्ट ऑफ फ्रॉम फ्रॉम द लॉन्च पैड एट केप कार्निवल फ्लोरिडा एंड पार्टिसिपेटेड इन अ सक्सेसफुल मिशन इन स्पेस कल्पना चावला वो पहली इंडियन अमेरिकन वीमेन थी जिन्होंने एज एन एस्ट्रोनॉट टेक ऑफ किया और वो फ्लोरिडा से उन्होंने अपना मिशन शुरू करा और वो स्पेस में गई केप कार्निवल फ्लोरिडा में उनका ये लॉन्च पैड हुआ था और उसके बाद उन्होंने एक सक्सेसफुल मिशन करा जो उनका पहला मिशन था जिसमें वो स्पेस में गई थी वो पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा था हर फैमिली फ्रॉम इंडिया चयर्ड अलोंग विद स्टाफ एट कैनेडी स्पेस सेंटर एज दे वॉच द कोलम्बिया लिफ्टॉट जब वो रॉकेट उड़ा है जब वो स्पेस उड़ा है उस वक्त उनकी जो फैमिली थी वो वहीं पे मौजूद थी और उस स्पेस सेंटर का नाम था कैनेडी स्पेस सेंटर जहाँ से वो स्पेस क्राफ्ट उड़ा वो कोलंबिया में है बेसिकली कल्पना वॉज बॉर्न इन कर्नल हरियाणा बट वॉज अ न्यूट्रलाइज यू एस सिटीजन मैरिड टू फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जीन पेरी हैरिसन बिसाइड्स बींग एन एस्ट्रोनॉट शी वॉज लाइसेंस्ड टू फ्लाई सिंगल एंड मल्टी इंजन लैंड एयरप्लेन सिंगल इंजर सी प्लेन्स एंड ग्लाइडर कल्पना बेसिकली तो इंडियन थी वो हरियाणा में पैदा हुई थी हरियाणा की करलाल डिस्ट्रिक्ट में वो पैदा हुई थी बट वो यूएस एस सिटीजन भी थी वो कैसे क्योंकि वहाँ पर उन्होंने जीन पेरी हैरिसन नाम के आदमी से शादी करी और तो और एस्ट्रोनॉट होने के बावजूद वो प्लेन्स भी उड़ा सकती थी वो एक पायलट भी थी वो सिंगल इंजन उसके अलावा मल्टी इंजन एयरप्लेन्स भी उड़ाती थी ठीक है ग्लाइडर्स भी उड़ा लेती थी तो वो एक अच्छी पायलट भी थी शी वॉज ऑल्सो सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर वो एक फ़्लाइट इंस्ट्रक्टर भी थी फ्लाइट में लोगों को इंस्ट्रक्ट भी कर सकती थी उनको इसका सर्टिफिकेट भी मिला हुआ था आफ्टर क्वालिफाइंग एस पायलट कल्पना बिगेन टू कंसिडर अनदर चैलेंज जब उन्होंने अपनी पायलट का डिग्री वो उन्होंने पूरी कर ली उन्होंने चलाना सीख लिया उन्होंने एक और चैलेंज लिया शी अप्लाइड टू नासा स्पेस शटल प्रोग्राम उन्होंने नासा के स्पेस शटल प्रोग्राम में इन में अपने आप में पढ़ाई करना शुरू करा शी वॉज फर्स्ट हायर्ड एज अ रिसर्च साइंटिस्ट एज नासा एट नासा उनको सबसे पहले एक रिसर्च साइंटिस्ट के तौर पर नासा में रखा गया इन नाइनटीन नाइन्टी फोर शी वॉज सिलेक्टेड बाय नासा फॉर ट्रेनिंग एज एन एस्ट्रोनॉट नाइनटीन नाइन्टी फ़ोर में उनको सिलेक्ट कर लिया गया उनको सिलेक्ट किया गया कि वो एक एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग ले सकती हैं अब वहाँ पर और यहाँ से उनकी एस्ट्रोनॉट बनने की जर्नी शुरू हुई वेन आस्ट वॉट इट वॉज बींग अमेन इन हर फील्ड शी रिप्लाई उनसे एक बार ही पूछा गया कि आप एक एस्ट्रोनॉट हो और इस फील्ड में एक औरत होना कैसा लगता है उन्होंने बोला आई रियली नेवर एवर थाट वाइल परसुइंग माई स्टडीज़ और डूइंग एनीथिंग एल्स दैट आई वॉज अ वुमेन और अ पर्सन फ्रॉम अ स्मॉल सिटी और अ डिफरेंट कंट्री मुझे कभी महसूस ही नहीं हुआ कि मैं एक वुमन हूँ मैंने जब अपनी पढ़ाई शुरू करी या फिर मैं कुछ और भी कर रही थी या मैं और मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं कि मैं एक वुमन हूँ और मैं एक छोटी सिटी से आई हूँ या मैं किसी दूसरी कंट्री से हूँ आई प्री मच हैड माई ड्रीम्स लाइक एनी वन एल्स एंड आई फॉलोड दैम मेरे भी सपने बिल्कुल वैसे ही थे जैसे बाकी लोगों के होते हैं बस मैंने उन्हें पूरा किया एंड पीपल हु वर अराउंड मी फॉर्चुनेटली ऑलवेज एनकरेज मी एंड सेट इफ दैट्स वॉट यू वॉन्ट टू डू कैरी ऑन और जो भी लोग मेरे आस पास थे मेरी किस्मत बहुत अच्छी है उन सब ने मुझे बहुत ही इनकेज करा बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिया और उन्होंने मुझसे कहा कि अगर यही वो है जो तुम करना चाहती हो तो करो आगे बढ़ो अपने सपनों को पूरा करो कल्पना फर्स्ट स्पेस मिशन इन द स्पेस शटल कोलंबिया वाज 15 डेज 16 आवर्स एंड 34 मिनट्स लॉन्ग उनका जो सबसे पहला स्पेस मिशन था वो 15 दिन चला थर्टी फो पंद्रह पंद्रह दिन 16 घंटे और चौंतीस मिनट तक चला ड्यूरिंग दिस टाइम शी वेंट अराउंड द अर्थ 252 टाइम्स ट्रैवलिंग 10.45 मिलियन किलोमीटर्स इस पूरे पंद्रह घंटे पंद्रह दिन सोलह घंटे और चौहत्तर मिनट की जर्नी में उन्होंने अर्थ के टू फिफ्टी टू चक्कर लगाए और समझ लीजिए दस मिलियन से भी ज़्यादा उन्होंने इतना दस मिलियन किलोमीटर का डिस्टेंस तय करा उन्होंने द क्रू इंक्लूडेड अ जापनीज एंड यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट उनके साथ एक जापनीज और एक यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट भी थे साथ में

और उन्होंने टेस्ट करें मेटल्स के ऊपर जिससे कि वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेटल्स बना सकें कंप्यूटर चिप्स पे एक्सपेरिमेंट्स करें और ये पूरा पता है खर्चा कितना आया फिफ्टी सिक्स मिलियन डॉलर्स बहुत ज़्यादा था ऑन द सैटरडे नाइट वन द न्यूज़ अबाउट द कोलम्बिया डिज़ास्टर ब्रोक देयर वॉज अ शॉक एंड डिसबिलीफ लेकिन जब उनका दूसरा दूसरा राउंड लगा स्पेस में दूसरी बार जब वो स्पेस में गई उस दिन सैटरडे की रात थी और अचानक से उस दुर्घटना के बारे में पता चलता है और लोगों को भरोसा ही नहीं हो रहा था लोग बहुत शौक में थे बहुत ज़्यादा शौक में थे द टाउन ऑफ कर्नल स्पेंट अ स्लीपलेस नाइट एस थाउजेंड्स ऑफ हाउस ओल्ड स्टेट ग्लू टू देयर टेलीविजन सेट्स इन द होप दैट कल्पना एंड क्रू सम जब वो दुर्घटना हुई तब लोग जो करनाल के थे वो रात भर सोए नहीं वो पूरी रात टीवी के सामने थे कि बस एक खबर मिल जाए कि कुछ नहीं हुआ है कल्पना कल्पना का जो क्रू है और कल्पना है वो बिल्कुल सही है बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ अ जर्नलिस्ट रोड एक पत्रकार ने लिखा शी वॉज अ हीरोइन इट टेक्स इनॉमरस एबिलिटी टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट यू नीड टू नो अ लॉट अबाउट एवरी थिंग फ्रॉम बायोलॉजी टू एस्ट्रोफिजिक्स टू एरोनोटिकल इंजीनियरिंग इन दिस एज ऑफ सुपर स्पेशलाइजेशन यू मस्ट है इंसाइक्लोपीडिया नॉलेज टू बी एन एस्ट्रोनॉट हर अचीवमेंट इज़ ऑन इंस्पायरिंग उन्होंने लिखा कि वो एक हीरोइन थी बहुत ज़्यादा काबिलियत चाहिए एक एस्ट्रोनॉट बनने के लिए बहुत ज़्यादा तुम्हें बायोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए एस्ट्रोफिज़िक्स के बारे में पता होना चाहिए एरोनाटिकल इंजीनियरिंग के बारे में पता होना चाहिए और आज की इस एज में आपको अपने आप में एक इंसाइक्लोपीडिया होना पड़ेगा इंसाइक्लोपीडिया समझते हो आप लोग इंसाइक्लोपीडिया एक ऐसी बुक है जहाँ पे ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जिसकी नॉलेज ना हो उनके अचीवमेंट्स दूसरों को बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते हैं बहुत ज़्यादा प्रेरणा देते हैं कि आप भी कुछ ऐसा करो कुछ ऐसा कर जाओ कि बस मज़ा आ जाए लाइफ में कहते हैं ना कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा फॉर मिलियंस ऑफ यंग इंडियंस द स्टोरी ऑफ कल्पना चावला A girl from strong small town who touched the sky had become an inspiration. In a message that she sent from abroad, the space shuttle Columbia to students of a college in Chandigarh, Kalpana said, "The path from dreams to success does exist. May you have the vision to find it, the courage to get into it. Wish you a great journey. There will surely be many who start off on this journey to fulfil their dreams." बहुत सारे बच्चों के लिए मिलियंस ऑफ बच्चों के लिए जो इंडियंस हैं ये जो कल्पना चावला की स्टोरी है एक ऐसी लड़की जो छोटे टाउन से आई और उसने आसमान तक का सफ़र तय करा बहुत बड़ी प्रेरणा है बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है उन्होंने जब वो स्पेस शटल में थी उन्होंने एक मैसेज दिया था उन स्टूडेंट्स के लिए जो चंडीगढ़ के थे जहाँ से उन्होंने अपना कॉलेज कंप्लीट करा उस मैसेज में उन्होंने कहा सपनों से सक्सेस तक की जो जर्नी होती है ना वो वो रास्ता डेफिनेटली बना हुआ है वो एक रास्ता बना है अगर आपने सपना देखा है तो फॉर श्योर वहाँ तक जाने के लिए एक रास्ता ज़रूर बनाया गया है बस विजन होना चाहिए देखने की देखने की ताकत होनी चाहिए और हिम्मत होनी चाहिए कि आप उस रास्ते पे चल सको और उन्होंने सबको बोला विश अ ग्रेट जर्नी बस यही है कल्पना चावला की स्टोरी जिन्होंने हम सबको इंस्पायर करा एक ऐसी लड़की जो छोटे शहर से आके यूएस पहुंची यूएस से पहुंच के वो स्पेस में पहुंची पायलट बनी एस्ट्रोनॉट बनी जस्ट इमेजिन पावर ऑफ ड्रीम कितनी इम्पैक्टफुल होती है सो so स्टूडेंट्स आज के लेसन में बस इतना ही आई होप सो आपको पसंद आया है लेसन अगर पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए और वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन को डेफिनेटली हिट करिए